शिवसेना युवा सेना के सहयोग से नागरिकों ने स्वयं के खर्चे से नाली का निर्माण किस परिसर में किया, देखते हैं इस खबर में। इस समय संपूर्ण जिला कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है और ऐसे में कुछ महीनों पहले लगातार होने वाली अकाली बारिश की वजह से ऊर्जा नगर ग्राम पंचायत वसात के समता नगर वार्ड क्रमांक 1 के परिसर के घरों में गंदा पानी जा रहा था। इस प्रभाग में नाली न होने से पानी का यहां पर जमा होता था और हर तरफ दुर्गंध का वातावरण रहता था और इस संदर्भ में इस वार्ड के नागरिकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत को इस संदर्भ में निवेदन दिए तथा शिकायत भी की, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्होंने शिवसेना शाखा प्रमुख मनोज हिटकर के सहयोग से अपने स्वयं के खर्चे से यहाँ पर नाली का निर्माण किया। तो सुनिए इस संदर्भ में समता नगर वार्ड क्रमांक के नागरिकों ने क्या कहा। ऊर्जा नगर ग्राम पंचायत मध्ये जाऊन आम्ही या रोड आणि नाल्यांच्या कामासाठी जवळपास 5 ते 10 निवेदन दिलेले आहे, तरी या ग्राम पंचायत ऊर्जा नगर ने आमच्या समता नगरच्या एकही कामाकडे लक्ष दिलेले नाही। या 5 वर्षाच्या कालावधीत यांचे आमच्या समता नगरकडे दुर्लक्षच आहे। आमच्या जवळपासील नेरी आणि कोंडीतले कामं रोडचे या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा त्यांनी रोडचे नेरीतले आणि कोंडीतले कामं केले, तरी या आता लॉकडाऊन झालं तर आमचे कामं शांसन असून या रोड आणि नाल्याची कामं केली नाही। तर आमचे इथले शाखा प्रमुख मनोज हिटकर यांनी आपल्या सर्व शिवसैनिकांना गोळा करून सार्वजनिक वर्गणीतून रोड नालीचे काम केलेले आहे आणि तरीसुद्धा इथले रोडचे आणि बोरिंगचे भरपूरसे कामं राहील, लाईटचे कामं बाकी आहे। ग्रामपंचायतीने लवकरात लवकर ही कामं करून द्यावं, नाहीतर आम्ही सर्व समतानगरवासियांना घेऊन तीव्र आंदोलन करणार, असा इशारा आम्ही ग्रामपंचायतला देतो। इस मौके पर शिवसेना शाखा प्रमुख मनोज इटकर के साथ युवा सेना तालुका चिट्ठी सागर तुरक, युवा सेना विभाग प्रमुख अश्विन देवतले, आलोक चौरे, सुरेश जाधव, सुनू शाहू, आकाश खाडुंगे, धमदीप डाहुले, दिनेश नेवारे, दशरथ इटनकर आदि ने परिश्रम दिया। गौरतलब है इस भाग में युवक हमेशा ऐसे सामाजिक उपक्रम निभाते रहते हैं और जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख संदीप गिरे, महानगर प्रमुख प्रमोद पाटिल, तालुका प्रमुख संतोष नरुले, युवा सेना जिला समन्वयक प्राध्यापक नीलेश बेलखड़े का मार्गदर्शन हमेशा उन्हें मिलते रहता है।